दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद। स्वागत है आपका गीत गजल और कविताओं के कैसे अनूठे कार्यक्रम में, जिसका नाम है वाह जी वाह। आज हमारे साथ अदब के ऐसे तीन हस्ताक्षर मौजूद हैं, आप यकीन मानिए कि जिस वक्त आप उनकी लाजवाब शायरी सुनेंगे आप खुद ब खुद कह उठेंगे वाह जी वाह। तो चलिए आज की महफिल की शुरुआत करते हैं और दावत सुखन देते हैं आज की महफिल के पहले शायर को। आज की महफिल के हमारे पहले शायर हैं एक ऐसा शायर जो नौजवान है, अपनी एक अलग पहचान रखता है, अदब के आदाब खुद भी जानता है और दूसरों को भी सिखाता है। मेरी मुराद है भिवंडी मुंबई से तशरीफ लाए बिलाल रौनक साहब। रौनक साहब आपका इस्तकबाल है, चलिए बिलाल रौनक साहब से एक गजल सुनते हैं। यहाँ तमाम बैठे हुए लोगों का शुक्रिया। मैं अपनी बात एक मतलब एक शेर से शुरू करता हूँ कि रोजो शब हमसे तमाशा नहीं देखा जाता। क्या बात, क्या बात। रोजो शब हमसे तमाशा नहीं देखा जाता, वक्त के हाथ में कासा नहीं देखा जाता। रोजो शब हमसे तमाशा नहीं देखा जाता, वक्त के हाथ में कासा नहीं देखा जाता। और जिसको देखो वो मोबाइल को लिए बैठा है, जिसको देखो वो मोबाइल को लिए बैठा है। अब किसी घर में रिसाला नहीं देखा जाता। क्या कहने, क्या कहने। शुक्रिया, बहुत अच्छे। अब किसी घर में रिसाला नहीं देखा जाता। एक मतलब दो शेर और बिल्कुल सोच मुलाजा करें कि बारे गम यूं दिले जिंदा नहीं रहने देता, बारे गम यूं दिले जिंदा नहीं रहने देता, रात को जैसे सवेरा नहीं रहने देता। बारे गम यूं दिले जिंदा नहीं रहने देता, रात को जैसे सवेरा नहीं रहने देता। अब ज़ईफ़ी में भला कौन सहारा होगा, अब ज़ईफ़ी में, अब ज़ईफ़ी में भला कौन सहारा होगा। घर में माँ बाप को बेटा नहीं रहने देता, घर में माँ बाप को, घर में माँ बाप को बेटा नहीं रहने देता। अब ज़ईफ़ी में, अब ज़ईफ़ी में भला कौन सहारा होगा, घर में माँ बाप को बेटा नहीं रहने देता। और बहते पानी पे मका कैसे बनाए रौनक, क्या कहें, बहते पानी पे, बहते पानी पे मका कैसे बनाए रौनक, अपनी आगोश में दरिया नहीं रहने देता, अपनी आगोश में दरिया नहीं रहने देता। शुक्रिया, लीजिए तरन्नुम से गजल मुलाहिजा करें, मतलब मुलाहिजा करें कि मुझको तेरी वफा ने बड़ा हौसला दिया, मुझको तेरी वफा ने बड़ा हौसला दिया। गुरबत में इत्मीनान से जीना सिखा दिया, गुरबत में इत्मीनान से जीना सिखा दिया। मुझको तेरी वफा ने बड़ा हौसला दिया। सानी मतलब मुलाजा दीजिएगा। मत पूछिए कि गर्दिशे दौरान क्या दिया, क्या बात। मत पूछिए कि गर्दिशे दौरान क्या दिया, हर एक कदम पे जख्म मुझे एक नया दिया, हर एक कदम पे जख्म नया एक नया दिया, एक नया दिया। गुरबत में इत्मीनान से जीना सिखा दिया। और शेर बतरे खास, बहती हुई नदी में रवानी थी इस पैदल, बहती हुई नदी में रवानी थी इस कदर, पत्थर कसी न चीर के रास्ता बना दिया। शुक्रिया,
जबरदस्त पत्थर कसी नचीर के रास्ता बना दिया मुझको तेरी वफा ने बड़ा हौसला दिया। निकले थे घर से फतह का जज्बा लिए हुए निकले थे घर से फतह का जज्बा लिए हुए दरिया उबूर करके सफीना जला दिया। दरिया उबूर करके सफीना जला दिया मुझको तेरी वफा ने बड़ा हौसला दिया। शुक्रिया। एक शेर नात का हुआ है मतलब लिखा मेरे रसूल पाक की अजमात ना पूछिए मेरे रसूल पाक की अजमात ना पूछिए मुट्ठी में संगरेजों को कलमा पढ़ा दिया मुट्ठी में संगरेजों को कलमा पढ़ा दिया मुझको तेरी वफा ने बड़ा हौसला दिया। और फिर पढ़िए बहुत अच्छा। शुक्रिया। मेरे रसूल पाक की अजमत न पूछिए मेरे रसूल पाक की अजमत न पूछिए मुट्ठी में संगरेजों को कलमा पढ़ा दिया मुझको तेरी वफा ने बड़ा हौसला दिया। शेर बतौर खास बच्चों ने आज ऐसे सवालात कर दिए बच्चों ने आज ऐसे सवालात कर दिए गोया मेरी जुबान पे ताला लगा दिया गोया मेरी जुबान पे ताला लगा दिया मुझको तेरी वफा ने बड़ा हौसला दिया। मक्का मुलाहिज़ा कर दिया रौनक हमारे शहर का पूछो ना कुछ मिजाज रौनक हमारे शहर का पूछो ना कुछ मिजाज अपना बना के मेरी खुदी को मिटा दिया अपना बना के मेरी खुदी को मिटा दिया मुझको तेरी वफा ने बड़ा हौसला दिया। मेरे रसूल पाक की अजमत ना पूछिए मेरे मेरे रसूल पाक की अजमत ना पूछिए मुट्ठी में संगरेजों को कलमा पढ़ा दिया। भाई क्या बात है अपनी खूबसूरत शायरी से आपको नवाज रहे थे बिलाल रौनक साहब। आपका ये मतलब आपका ये शेर सुनते मुझे भी अपना एक मतलब याद आता है कि नामे नबी लिखा तो वो खुशबू बिखर गई नामे नबी लिखा तो वो खुशबू बिखर गई जैसे मेरी बयाज पे जन्नत उतर गई। नामे नबी लिखा नामे नबी लिखा तो वो खुशबू बिखर गई जैसे मेरी बयाज पे जन्नत उतर गई
और दर दर भटक रहा था मैं जिसकी तलाश में, बस एक उसी नाम से किस्मत संवर गई। बस एक उसी नाम से किस्मत संवर गई। दोस्तों वाजी वाकी महफिल में गीत गजल कविताओं का यह खूबसूरत सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वाह जी वाह। समस्या, कौन है जिम्मेदार? नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो यहाँ के नगर में देखे। डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा, काम बहुत किया है हमने। वार्ड परिक्रमा खोल खोल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है गीत गजल और कविताओं के कैसे अनूठे कार्यक्रम में, जिसका नाम है वाह जी वाह। दोस्तों आपके मनोरंजन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब अपनी महफिल के दूसरे शायर को आवाज देते हैं, एक ऐसा शायर जो अदब का असासा है, जिनके कदमों में बैठकर मुझ जैसे हजारों नौसिखिए शायरों ने इब्तदाई सुखन ने अदब के आदाब सीखे होंगे। उन्हें देखकर मुझे किसी का एक मतलब और एक शेर याद आ रहा है कि तिजारत में माया बड़ी चीज है। तिजारत में माया बड़ी चीज है। इमारत में साया बड़ी चीज है। तिजारत में माया बड़ी चीज है, इमारत में साया बड़ी चीज है, और सर पर हाथ रहे सलामत बुजुर्गों का, सर पर बुजुर्गों का साया बड़ी चीज है। बड़े अदब एहतराम के साथ मैं अपने एक ऐसे बुजुर्ग और ऐसे अजीम शायर को दावत सुखन देता हूं, आप इस्तकबाल करें शब्बीर मोमिन शाह साहब का। मोहतरम आपका खैर मकदम है। ये हमारे लिए काबिले सताइश है और भाई से सद इफ्तिखार है, इसलिए एक दिल की गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जी बहुत शुक्रिया। चलो सिलसिला गजल का शुरू करते हैं। मतलब है पेश है वफा की महफिल सजाए रखना, बस इतना करना। जी, वा, वा, जी, क्या बात है? वफा की महफिल सजाए रखना बस इतना करना, मिजाज अपना बनाए रखना। वफा की महफिल सजाए रखना बस इतना करना, मिजाज अपना बनाए रखना बस इतना करना। क्या बात है? शेर है, शिकस्त देनी है दोस्तों सर फिरी हवा को। शिकस्त देनी है दोस्तों सर फिरी हवा को चरागे उल्फत चलाए रखना। अरे वाह 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 वाह, चरागे उल्फत चलाए रखना बस इतना करना। वो ताजिराने जमीर बोली लगा रहे हैं, वो ताजिराने जमीर बोली लगा रहे हैं तुम अपनी गैरत जगाए रखना। अरे वाह 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 वाह, क्या बात, अपनी गैरत जगाए रखना बहुत अच्छे, गैरत का जवाब। बस वाह वाह वाह। एक मतलब दो शेर, याद रफ्ता ने मुझे घेर लिया शाम के बाद। याद रफ्ता ने मुझे घेर लिया शाम के बाद दर्द फिर जाग उठा सीने में आराम के बाद। दर्द फिर जाग उठा सीने में आराम के बाद। आराम के बाद चीखने वालों की आवाज कहाँ जाती है? चीखने वालों की आवाज कहाँ जाती है? कितना सन्नाटा नजर आता है कोहराम के बाद। शायद रुसवाई में शोहरत भी छुपी होती है।
क्या बात है रुसवाई, शायद रुसवाई में शोहरत भी छुपी, शोहरत भी छुपी होती है, शख्सियत मेरी निखर आई है, इल्जाम निखर आई है इल्जाम के बाद। अब एक गजल का मतलब चंद शेर जी जाता हो, ये क्या हुआ के चाहतों का रंग सब निकल गया, ये क्या हुआ के चाहतों का रंग सब निकल गया, रब रंग सब निकल गया, बदल गया है तू के तेरा आईना बदल गया। अरे क्या बात है भाई, ये क्या हुआ के चाहतों का रंग सब निकल गया, बदल गया है तू के तेरा आईना बदल गया। जो रंजिशों की गर्द से अटा हुआ था आईना, जो रंजिशों की गर्द से अटा हुआ था आईना, गले मिले हो तुम तो सब गुब्बारे दिल निकल सब गुब्बारे दिल निकल गया, शिकस्त दे गया किसी का दर्द मेरे जब्त को, शिकस्त दे गया किसी का दर्द मेरे जब्त को, ये कौन अश्क बन के मेरी आंख से उबल गया, ये कौन अश्क बन के मेरी आंख से उबल गया। मैं रोज और शब के बीच था, पता ना चल सका मुझे, मैं रोज और शब के बीच था, पता ना चल सका मुझे के रफ्ता रफ्ता वक्त मेरे हाथ, अरे वाह 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 वाह, रफ्ता रफ्ता वक्त मेरे हाथ से निकल गया, कि अब मकता है कि अब जरा सा शाद मुझे मिल गया सुकून दिल, अब जरा सा शाद मुझे मिल गया सुकून दिल, खटक रहा था खार बनके दिल में जो निकल गया, दिल में जो निकल गया, कब जरा सा शाद मुझको दे गया सुकून दिल, कब कब जरा सा शाद मुझको दे गया सुकून दिल, खटका सा खटक रहा था दिल में सो निकल गया। अपनी खूबसूरत और बेहतरीन शायरी से आपको लुत्फंदोज कर रहे थे मोहतरम शाद साहब, मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से एक बार उनका इस्तकबाल किया जाए, बहुत शुक्रिया। दोस्तों वाजी वाकी महफिल में गीत गजल कविताओं का यह खूबसूरत सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वाह जी वाह। समस्या, कौन है जिम्मेदार, नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो आके जिसकी नजर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा, काम बहुत किया है। वार्ड परिक्रमा खोल खोल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है गीत गजल और कविताओं के कैसे अनूठे कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह जी वाह। दोस्तों आपके मनोरंजन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको लेके चलते हैं आज की महफिल के तीसरे और आखिरी शायर की तरफ, वो शायर जिनके पहलू में बैठकर मैंने अदब के आदाब सीखे हैं, वो शायर जो जितनी खूबसूरत शायरी करते हैं इंसान भी दिल से उतने ही अच्छे हैं। मेरी मुराद है भिवंडी मुंबई से तशरीफ लाए शकील अहमद शकील साहब। शकील भाई आपका खैर मकदम है। नाज़रीन कराम, आज की इस खूबसूरत महफिल में मुझे मुनक्किद करने के लिए, इसका मुझे हिस्सा बनाने के लिए मैं TV1 इंडिया का और बिलखसूस लक्ष्मण शर्मा वाहिद जी का
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए मैं कुछ शेर या और पेश करता हूँ आपके लिए। मतलब देखिए कि बंदे अच्छे लगते हैं, समझे, बंदे अच्छे लगते हैं, रब अच्छा लगता है। वाह वाह, बंदे अच्छे लगते हैं, रब अच्छा लगता है, जब तुम अच्छे लगते हो तो सब अच्छा लगता है। बंदे अच्छे लगते हैं, रब अच्छा लगता है, जब तुम अच्छे लगते हो सब अच्छा लगता है। अब पैदल चलना बतलाएं कब अच्छा लगता है, पैदल चलना बतलाएं कब अच्छा लगता है, जब तुम साथ में चलते हो तब अच्छा लगता है। पैदल चलना बतलाएं कब अच्छा लगता है, जब तुम साथ में चलते हो तब अच्छा लगता है। और तेरी याद ने मेरे घर में डेरा डाला है, तेरी याद ने मेरे घर में डेरा डाला है, सच बतलाऊं मेरा घर अब अच्छा लगता है। मेरे घर में डेरा डाला है, सहले मुंतरा में बहुत खूबसूरत अशआर, बहुत तेरी याद ने मेरे घर में डेरा डाला है, सच बतलाऊं मेरा घर अब अच्छा लगता है। और शेर देखिए कि मस्जिद और मंदिर का झगड़ा खेल सयानों का, मस्जिद और मंदिर का झगड़ा खेल सयानों का, दीवाने को हर एक मजहब अच्छा लगता है। मंदिर और मस्जिद का झगड़ा क्या बात है, खेल सयानों का, दीवाने को हर एक मजहब अच्छा लगता है। और पैदल चलना बतलाएं कब अच्छा लगता है, जब तुम अच्छे लगते हो तब सब अच्छा लगता है, जब तुम साथ में चलते हो तब अच्छा लगता, तब अच्छा लगता है। देखिए कि दिल के पुर्जे आसमानों में उड़ाने के लिए, क्या बात, दिल के पुर्जे आसमानों में उड़ाने के लिए, फिर हवा पागल हुई पागल बनाने, फिर हवा पागल हुई पागल बनाने के लिए। और एक जमाना था कि मेरा कहकहा मशहूर था, एक जमाना था कि मेरा कहकहा मशहूर था, अब तरसते हैं मेरे लब मुस्कुराते। जमाना था कि मेरा कहकहा मशहूर था, एक जमाना था कि मेरा कहकहा मशहूर था, अब तरसते हैं मेरे लब मुस्कुराने के लिए। और ताश सिगरेट महफिलें बियर सिनेमा शायरी, क्या बात है, ताश सिगरेट महफिलें बियर सिनेमा शायरी, और अब क्या क्या करूं तुझको बुलाने के लिए, और अब क्या करूं तुझको बुलाने के लिए। और हमने फिर बेखौफ ऐलाने मोहब्बत कर दिया, क्या कह रहे, हमने फिर मुश्किल खड़ी कर दी जमाने की, वाह 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 वाह, हमने फिर बेखौफ ऐलाने मोहब्बत कर दिया, हमने फिर मुश्किल खड़ी कर दी जमाने के लिए। दर्दे दिल अशकों के तूफान में आ जाएगा, दर्दे दिल सर्वदा बिके, दर्दे दिल अशकों के तूफान में आ जाएगा, मसला घर का है मैदान में आ जाएगा। दर्दे दिल अशकों के तूफान में आ जाएगा, मसला घर का है मैदान में आ जाएगा। और चांद निकलेगा रसोई से अंधेरा करके, चांद निकलेगा रसोई से अंधेरा करके, और फिर मेरे शबिस्तान में आ जाएगा। शबिस्तान बेडरूम को कहते हैं, देख लीजिए कि चांद निकलेगा, चांद निकलेगा रसोई से अंधेरा करके, और फिर मेरे शबिस्तान में आ जाएगा। सांवला रंग सिया बाल गुलाबी आंखें, सांवला रंग सिया बाल गुलाबी आंखें, नाम भी उसका अभी ध्यान में आ जाएगा। अरे क्या, सिया बाल गुलाबी आंखें, नाम भी उसका अभी ध्यान में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे शकील भाई का एक शेर याद आ रहा है कि उसको लफ्जों की जंजीर में जकड़ लूंगा शकील,
उसको लफ्जों की जंजीर में जकड़ लूंगा शकील, एक ना एक दिन मेरे इम्कान में आ जाएगा, हद इम्कान में आ ही जाएगा। ये थे शकील अहमद शकील साहब, जो आपको अपनी खूबसूरत शायरी से लुत्फानंदोज कर रहे थे। दोस्तों, आज की महफिल में हमने जिन शायरों को आपके हुजूर पेश किया है, हमें उम्मीद है कि आपने उनकी लाजवाब और बेहतरीन शायरी को खूब आनंद लिया होगा। वाजिबा की महफिल के जरिए हमारी ये कोशिश है कि हम ऐसे नवांकुर और नवोदित शायरों और कवियों को मौका दें जो लाजवाब लिखते हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनको अपना हुनर मुजाहिरा करने के लिए कोई मंच नहीं मिलते हैं। तो अगर आपके अंदर है ये हुनर, अगर आपके कलाम में भी है दम, अगर आपकी लेखनी में है दम, तो हमारा आपसे वादा है कि TV1 इंडिया पर आपको बुलाएंगे हम। अगर आप भी हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की है, उठाइए अपना मोबाइल और आज ही नीचे लिखे नंबर पर अपना पंजीकरण कराइए। आज की महफिल में बस इतना ही, अगले हफ्ते एक नई महफिल में चुनिंदा शायर और कवियों के साथ, उनकी बेहतरीन कविता और खूबसूरत गजलों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।